हेलो माय डियर स्टूडेंट, आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर में आज हम आपको तीन अंक के संख्याओं का वर्ग करना बताएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको दो अंक का वीडियो बताया गया था, और इस वीडियो में हम आपको तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग करना बताएंगे। जैसा कि आपको 5 से 7 एग्जांपल दिखाएंगे, और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से तीन अंक की संख्याओं का वर्ग हो जाता है। देखिए, आप सर्वप्रथम एक अंक को लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे लिया जाता है आपका 102, इसकी स्क्वायर करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम ये दो अंकों को एक साथ लेंगे, प्रत्येक पद में, प्रत्येक एग्जांपल में लास्ट के दो अंकों को एक साथ रखेंगे और बाकी के तीसरे अंक को अलग कर देंगे। और उसके बाद अगले टॉपिक में हम इनमें तीन संख्याएं हैं तो तीन अंडरलाइन खींचेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहला बताया, दूसरा और तीसरा। पिछले वीडियो की तरह यह भी वीडियो है, यह भी वही नियम को फॉलो करेगा। किसी भी खाने में अंडरलाइन के नीचे दो अंक से ज्यादा अंक नहीं लिए जाएंगे। अगर तीन अंक मिलेगा तो लास्ट के दो अंक को लिखेंगे और तीसरे अंक को उसके पहले वाले में कैरी करके ऐड करेंगे, जैसा कि यह नियम आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था जब दो अंक के थे। देखिए मित्रों, ये एग्जांपल मैंने लिया, इसमें दो अंक को लास्ट का कर लिया और एक अंक अलग हो गया, तो हम सर्वप्रथम इस अंक का वर्ग करेंगे। जैसा कि पता है हमें कि ये दो है, दो का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। जैसा कि इसमें दो अंक नहीं है तो हम यहाँ पे आपको 0 बढ़ा लेंगे, और इस वाले खाने में देखते हैं यहाँ पे जो अंक लिखा है उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। कोई भी संख्या डबल होनी चाहिए, डबल यहाँ नहीं है तो इसके पहले भी क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो आपको पहले पद और दूसरे पद, पहले और लास्ट पद के अंक तो मिल रहे हैं, लेकिन बीच वाला पद अभी आपको नहीं मिला है। यही आपको समझना है कि बीच वाले पद के लिए हम कौन सी संख्या का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये संख्या आपकी 1 हो गई, गुणा करेंगे इसका, इसका मतलब है कि ये संख्या है 2, और यहां पर जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं सबका हम आपस में गुणा करेंगे फाइनली, जो कि आपको 4 मिलेगा। ये नियम आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जितनी भी संख्याएं दिखती हैं उनको हम आपस में गुणा करते हैं, बट यहाँ पे इकाई और दहाई के दोनों अंकों को एक साथ में रखना है। चलिए, हमने इसको गुणा जब किया तो यहाँ पे 4 मिला। मैं इस वीडियो को शुरुआत में ही बोला हूं कि प्रत्येक अंडरलाइन के ऊपर क्रमशः 2 अंक होने चाहिए। अगर 2 अंक नहीं है तो हम उसमें 0 बढ़ा लेते हैं, तो अर्थात कहने का मतलब यहां पर भी 0 आ जाएगा। अर्थात बच्चों, हमारा फाइनली जो स्क्वायर की वैल्यू मिली 10404, ये आपको आंसर हो गया। यहां तक हमें उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। इसी के साथ हम एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। जैसा कि आपको लिखते हैं यहां पे 506 का वर्ग, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, इसके दो अंकों को एक साथ लेंगे और अंडरलाइन खींचेंगे 3। प्रत्येक पद में 2 पद होने चाहिए, इस दोनों पद का हम पहले स्क्वायर करेंगे जो 36 मिलेगा,
और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका मिलेगा 52, 25। उसके बाद में पुराने नियम में जो बताया है, जितने भी अंक हैं सब का गुणा करेंगे 5, 6 और 2 जो कि मिलेगा ये 60। यहाँ पे हम 60 लिखेंगे अर्थात आपको फाइनली मिला 506 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256036। ये आपका आंसर हुआ। मित्रों जहां तक हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम एक दो एग्जांपल और आपको दिखा रहे हैं। अभी उसके बाद छोटी संख्याओं के बाद बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपको और भी क्लियर होगा। अभी छोटी संख्याएं जहां तक है वहां तक आपको एकदम क्लियर करते जाएंगे और आगे आपको बड़ी संख्याओं का भी बताएंगे। देखिए अगला टॉपिक में हम अगला एग्जांपल आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी बड़ी सी संख्या लिखकर, जैसा कि आपको हम लिखते हैं 611 का वर्ग करने हैं। अब बच्चों आपको देखना पड़ेगा इसमें जब स्क्वायर किए जाएंगे गुणा किया जाएगा तो ये संख्याएं दो अंक से ज्यादा मिलेंगी, और जब संख्याएं दो अंक से ज्यादा मिलेंगी तो मैंने बताया है इस अंडरलाइन में हमेशा दो ही अंक लिखे जाएंगे। चलिए हम इस दोनों को एक साथ करेंगे तो यहां पे मिलेगा 11 का वर्ग करेंगे जो मिलता है 121। इसके दो अंक लिखे जाएंगे यहां पे लिख दिया गया, और जो ये तीसरा अंक बचेगा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि उसके पहले वाले में ये कैरी हो जाएगा, यहां कैरी के रूप में लिख लेंगे, और यहां पे जो बचेगा वो बचा है 6 उसका वर्ग करेंगे तो ये 36 आएगा। फिर मैंने बोला था कि बीच वाले अंक को ज्ञात करने के लिए यहां पे जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं सबका गुणा करेंगे 6 × 11 × 2 जो कि आपको गुणा करने पे क्या मिलेगा, यहां पे गुणा कर लेते हैं 11 × 6 = 66 और 66 × 2 = 132। मैंने आपको बताया फिर भी यहां का दो अंक लिया जाएगा तो फिर यहां आप दो अंक लिखेंगे और जो यहां बचेगा अंक वो यहां पे प्लस का कैरी हो जाएगा, अर्थात हम इसको ऐड करेंगे तो यहां पे 2 मिलेगा, यहां पे 3 मिलेगा और यहां पे 7 मिलेगा, अर्थात फाइनली 611 का स्क्वायर आपको मिल गया 373321। जहां तक मित्रों हमें उम्मीद है ये आपके समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के एक आध उदाहरण हम आपको और बताते हैं एग्जांपल जहां से आपको एकदम क्लियर हो जाए। हम आपको दूसरा लिख सकते हैं, जैसा कि आपको हम लिख सकते हैं अगला 312 लिख दें उसका स्क्वायर करना है। फाइनली दो अंक को एक साथ लेंगे और तीन अंडरलाइन पा लेंगे। इसकी शर्त ये है कि किसी में भी दो अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वो ज्यादा होता है तो उसके पहले वो कैरी हो जाता है। तो यहां पे आप 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 मिलेगा, अर्थात 0 भी लगा सकते हैं समझने के लिए क्योंकि हमेशा दो अंक होने चाहिए। और जब इसका हम वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 144 जिसका 2 दो अंक लिखा जाएगा और जो ये तीसरा अंक बचेगा इसमें प्लस कैरी 1 कर लेंगे। अब हमें बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। बीच वाली संख्या के लिए मैंने पहले ही बता दिया है यहां पे जितनी संख्याएं दिख रही हैं सबका आपस में गुणा करेंगे 3 × 12 × 2। तो आप जब यहां से गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा 12 × 6 = 72 तो यहां पे आ गया 72। अब हम इसको फाइनली क्या मिल गया 4437 और यहां पे क्या मिला 9, अर्थात फाइनली इसका स्क्वायर आपको मिला 97344। अब हमें जहां तक उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको एक दो और थोड़े से लंबे छोटे और कठिन वाले भी एक दो एग्जांपल समझाते हैं। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप एसएससी कंपटीशन
यूपीएससी, आरबीआई, बैंक आपके पेपरों में आपके कैलकुलेशन बड़ी जल्दी से हो जाएंगे। जहां तक आपको पता है कि समय कम होता है ऐसे पेपरों में, उसके लिए ये शॉर्टकट के कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे आपके सामने लिख दिया 90 इसका स्क्वायर कर दे, मैंने फिर वही प्रक्रिया करेंगे, दो अंक को एक साथ लेंगे और उसके बाद 3 लाइन अंडरलाइन खींचेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो यहां लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो यहां लिखेंगे। मैंने 20 वाले अंक के लिए बोला है कि 9 × 7 × 2 जो कि गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पे आपको कितना मिलेगा, यहां पे गुणा कर लीजिए, 9 × 63 और 63 × 2 कितना होगा 126। इसका भी दो अंक लिखा जाएगा 26, और जो यहां का ये अंक बचेगा मैं बोला हूं उसके पहले वाले में वो कैरी हो जाएगा। तो यहां पे फाइनली आपको क्या मिला, 49, 26 और 82, अर्थात आपको 907 का स्क्वायर मिल गया, 82, 26, 49। हमें जहां तक उम्मीद है मित्रों ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। इसी के साथ हम अपने इस चैनल का, इस टॉपिक का एक लास्ट एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा लंबा है समझने की जरूरत रहेगी। जैसे आपको मैं लिख रहा हूं 831 इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है तो आप यहां पे क्या करेंगे, फिर दो अंक को एक साथ मारेंगे और 3 अंडरलाइन मारेंगे, इसका वर्ग यहां लिखा जाएगा 64। 31 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आपको 961 मिलता है, इसके दो डिजिट लिखे जाएंगे। 61 जो बचेगा यहां पे कैरी 9 बसेगा, उसको जोड़ लेंगे। अब हमें बीच वाले अंक को ज्ञात करने के लिए गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 8, 31, 2 जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अब गुणा कर लीजिए, अगर आपको पता है यहां से कितना आ जाएगा, अगर क्लियर नहीं हो रहा है 8 × 62 अब इसका गुणा कर लीजिए तो 8 × 16 = 6 आएगा, हासिल 1, 8 × 6 = 48 और 1 × 49 49 के दो अंक लिखे जाएंगे जो कि आपको मिलेगा 96, जो ये अंक बचेगा उसके पहले वाले में कैरी हो जाएगा। अब हम सभी पदों को ऐड करेंगे तो यहां पे मिलेगा 61 और ये मिलेगा 5, यहां पे 0 और यहां पे 9, यहां पे 6, फाइनली आपको 831 का स्क्वायर मिल गया, 69, 05, 61 ये आपका आंसर हो गया। मित्रों जहां तक हमें उम्मीद है ये 5 से 6 से 7 एग्जाम्पल की सहायता से आपको 3 अंक के संख्याओं का वर्ग करना आसानी से आ जाएगा, और उसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और इसी के साथ धन्यवाद।